हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की होने वाली है। तो अभी हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, वो दो तरीके, दो वेज जानेंगे जिन दो तरीकों से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही इजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। एक बार आप देख लेंगे आसानी के साथ क्रिएट कर पाएंगे। जनरली ये दिक्कत बिगिनर्स को होती है, जबकि टीचर्स बता रहे होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेजर यहां से बनाए या शॉर्टकट मेथड से बनाए या किस तरीके से लेजर बनाई जाए, ये चीजों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेजर यानी खाते, तो जो भी खाते आपको बनाने हैं वो इजिली आप गेटवे ऑफ टैली यानी टैली की मेन मेन्यू पर रहते हुए भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो मेन मेन्यू से बाहर अगर आप कोई एंट्री पास कर रहे हो किसी बाउचर में तो उस दौरान भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीकों का जिक्र मैंने लगभग हर एक वीडियो में किया है, अब इसको विस्तार से डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो है। सपोज कीजिए हमारे पास तो कई लेजर्स पहले से बने हुए हैं इस कंपनी में। सपोज कीजिए आपको कोई लेजर बनाना है तो आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए कैसे लेजर बनाएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात है टैली प्राइम में कि यहां पर क्रिएट की विंडो आपको, ये देखिए क्रिएट ऑप्शन जो है गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर क्रिएट ऑप्शन जो है आपको दिखाई पड़ेगा। बस इसी क्रिएट पर कर दीजिए जाकर के एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहां दिखाई पड़ेगा अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप बनाइए, लेजर बनाना है लेजर बनाइए, तो फिलहाल हमें लेजर ही बनाना है तो लेजर पे आते हैं। ये लेजर पे आ गए। अब यहां पर आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर देता हूं, इंडिया ये मैंने लिख दिया, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना रहा हूं मैं। एंटर प्रेस किया ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, तो यहां से बैंक अकाउंट कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड जो भी है वो सब डाल सकते हैं, ब्रांच का नेम वगैरह डाल दीजिए। मैं देवरिया डाल देता हूं, ये देवरिया डाल दिया मैंने। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां पे चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, चेक भी है आपके पास तो चेक की पूरी डिटेल आएगी, ठीक है। यहां पर नाम आ जाएगा उस व्यक्ति का, ठीक है, जिस पर मेलिंग के लिए जो नाम आप देंगे। जैसे मान लीजिए ये खाता जो है मिस्टर सूरज तिवारी का है, ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं। तो ये यहां पे लिख दिया मैंने और इनका एड्रेस जो भी है कॉलोनी देवरिया, इस तरीके से ये एड्रेस भी मैं डाल देता हूं, ठीक है। तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया मैंने लिख दिया, एंटर प्रेस किया। यहां पर आए, यहां पर पिन कोड डाल देते हैं, तो 274001 ये पिन कोड है, तो एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ठीक है। यहां पर आप चाहे तो इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस यानी कि इसमें पैसा है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है। आप डायरेक्टली इसको छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको पैसा इसमें डालना पड़ेगा, फिर उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल देता हूँ 10,000 रुपए, ठीक है, ये 10,000 डाल दिया हमने। एंटर प्रेस किया, ये एक लेजर बन गया, ठीक है। अगर आपको और किसी बैंक का लेजर बनाना है, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, तो ये देखिए ये मैं बना रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का लेजर, तो ये लिखा मैंने बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी अंडर बैंक अकाउंट ही जाएगा। एंटर प्रेस किया, ये बैंक अकाउंट कर दिया। यहाँ पर आप जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो दे दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ आईएफएससी कोड जो भी है वो दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ BOI, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पर आकर के स्विफ्ट कोड वगैरह अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, यहाँ पे देवरिया कर देते हैं। तो ये देखिए दो ठो बैंक अकाउंट का लेजर हमने क्रिएट करा लिया। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है सेट ऑब्लिक ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स, तो यहाँ पर चल करके इसको भी दिखा देता हूँ इस वाले लेजर में। तो ये वाई प्रेस कर देते हैं, तो कहां से स्टार्ट होगा आपका चेक नंबर, कहां से स्टार्ट होगा, तो यहां पर कुछ ये हो गया 6 न्यूमेरिक कैरेक्टर इसमें होने चाहिए। और यहां पे मैंने कर दिया है 1,80,000 यानी कि ये नंबर है। और यहां पे मैं कर देता हूं ये 81 चेक इसमें आ गए हैं। और चेकबुक पर नाम क्या प्रिंट होगा, सूरज तिवारी प्रिंट होगा, टीजर बना सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, बाकी सारी चीजें ऐसे रख करके। और यहाँ पर नेम जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ सूरज तिवारी इस तरीके से, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। एंटर प्रेस किया, एंटर, यहाँ पे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इसमें मैंने कुछ नहीं रखा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक लेजर बनाने का तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप एंट्री पास करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेमेंट बाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं या कहीं भी एंट्री
अगर आप पास करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे ये मैंने कर दिया, ये क्रेडिटर पार्टी का कोई लेजर लगा लेता हूं, ठीक है, ये लगा लिया। अब जैसे मान लीजिए यहां पे 6000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, 6000 रुपए कर दिया हमने, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, ठीक है। यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है, ठीक है, अब बैंक ऑफ इंडिया पैसे हैं तो आप पेमेंट कर देंगे, लेकिन देखिए बैंक ऑफ इंडिया पैसा नहीं है, ये वो वाला लेजर है जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस डाला ही नहीं था, ठीक है। अब देखिए एक और होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, तो अभी देखिए यहां पर जाते हैं तो यहां पे बिल्कुल भी आपको ये दिक्कत नहीं करेगा, ये भी बता रहा है कि 6000 देने के बाद भी आपके पास 4000 बचेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये इस तरीके से करके आप इसको चेक से जा रहा है कैसे जा रहा है वो देख लीजिएगा, और इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, यहां पे नरेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है, बाकी फिलहाल मैं छोड़ देता हूं इसको, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्टली यहीं पर लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, किसी दूसरे बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, यहां पर मैं पहले क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेता हूं, तो ये अब 655 रुपए मात्र रह गए हैं, तो यहां 655 मैं कर देता हूं और यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस करके फिर यहां पर आते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट नहीं करना है, हम एक नया लेजर क्रिएट करने वाले हैं पीएनबी का, यानी पंजाब नेशनल बैंक, ये लिख दिया मैंने कुछ इस तरीके से, एंटर प्रेस किया, ये बैंक अकाउंट ही रहेगा, और यहां पर कुछ चीजें चेंज कर लेता हूं मैं, ये हो गया, ठीक है। और यहां पे आईएफएससी कोड जो भी यहां का हो, तो वो मैं फिलहाल डमी आईएफएससी कोड डाल देता हूं, ठीक है, ये आ गए। और यहां पे स्विफ्ट कोड वगैरह चाहे तो आप डाल सकते हैं, बाकी ब्रांच तो देवरिया ही रहेगा हमारा, आपका जो भी हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेकबुक फिलहाल हम अभी नहीं इशू करना चाहते हैं, और यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं उस पार्टी का, ठीक है। फिलहाल मैं पंजाब नेशनल बैंक ही रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने पंजाब नेशनल बैंक का लेजर बनाया तो इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, अब ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा ये। अब ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं डालते हैं तो फिर कैसे ओपनिंग बैलेंस डाल पाएंगे आप, या तो आप कैश अपने बैंक में रिसीव कराइए, और नहीं तो अपने लेजर को एडिट कर लीजिए, यहां पर अल्टर पे जाइए और यहां से लेजर पे आ जाइए, और लेजर का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, यही है ना, तो यहां पर आकर के इसको एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पर एंटर 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 एंटर, यहां पे ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है, तो मान लीजिए 10000 रुपए डाल देते हैं, ठीक है, ये 10000 डाल दिया। अब देखिए, अब यही चीज आप जब एंट्री पास करेंगे, वी प्रेस करके आता हूं वापस से पेमेंट वाउचर में, और यही हमारी एंट्री थी, रितेश सी जो है ये क्रेडिटर पार्टी थी, 655 रुपए था इसका, तो 655 डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहां पे देखिए अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, लेकिन हमको क्या करना है, पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट करना है। पहले ये रेड में आ रहा था, लेकिन अब देखिए अब रेड में नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। इस तरीके से ये दो तरीके हो सकते हैं लेजर बनाने के, ठीक है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। यहां पर आप नरेशन डाल दीजिए, कैश और रुपीज 655 पेड, ये मैंने दे दिया नरेशन, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट करा लिया। इस तरीके से आप दो तरीकों से लेजर बना सकते हैं। अब ये एंट्री जो हुई है आपकी, यहां पर आकर के एक बार के प्रेस करेंगे तो ये एंट्री दिखाई भी पड़ेगी, तो देखिए ये के से ये वाली एंट्री जो अभी हमने रिसेंटली की है वो ये वाली एंट्री है। ऑल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, आई बटन प्रेस कर देता हूं, तो इसका रिसिप्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये रिसिप्ट है इसकी, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। और जो हमने नरेशन दिया था वो नरेशन भी यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है, देख सकते हैं ये, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।